नमस्कार छात्र मित्रों, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5। प्रैक्टिस सेट 1.5 क्या है? ये एप्लीकेशन है इस चैप्टर की। इस चैप्टर का सबसे लास्ट सेट है, ये सेट लास्ट। तो इसमें सारे हम अब तक हमने क्या देखा है, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन को, किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज अब तक हमने देखी है। लेकिन अब इस लीनियर इक्वेशन को अप्लाई करके इस एक्स की और एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में, इस लीनियर इक्वेशन को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये चीजें हम इस प्रैक्टिस सेट में सीखने वाले हैं। तो इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं देखिए, ये वर्ड प्रॉब्लम होते हैं। इसमें आपको एक सेंटेंस दिया होता है, उससे आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। पहले तो आपको इक्वेशन बनाना पड़ता है और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन लेंगे हम, इसमें क्या बताया हुआ है, टू नंबर्स डिफर बाय थ्री। दो नंबर है उसमें कितना डिफरेंस है, थ्री का डिफरेंस है। सपोज ग्रेटर नंबर, जो भी बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर इज एक्स एंड स्मॉलर नंबर इज वाई। एक एक्स है तो दूसरा वाई, उनका जो डिफरेंस क्या है, थ्री। यानी बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करने के बाद हमें थ्री मिल जाए। ये है फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिखी ऊपर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फिर इसे इक्वेशन नंबर वन दे दीजिए और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के आंसर क्या होता है देखेंगे। क्या बोला है सेकंड कंडीशन में, इफ सम ऑफ, सम बोला है इसलिए एडिशन करनी है, टॉइस ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कौन सा है इसमें वाई, उसका क्या करना है टॉइस यानी दो से मल्टीप्लाई, एंड थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर कौन सा है एक्स, उसको थ्राइस बोला इसलिए तीन से मल्टीप्लाई, इज 19 यानी इक्वल टू 19। ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। अब दोनों इक्वेशन मिले हमें, देखिए इसका कोएफिशिएंट क्या है, टू है, इसका भी कोएफिशिएंट हम बनाएंगे टू। कैसे बनाएंगे, इसको टू से मल्टीप्लाई करके, फिर मल्टीप्लाई इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है वो वन बाय, इससे मल्टीप्लाई करना है टू से, तो वो क्या बन जाएगा, टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू सिक्स। इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर थ्री। अब ये दो इक्वेशन की हम क्या करेंगे, एडिशन करने के बाद ये वाई वाई कट जाएगा और एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। एड इक्वेशन टू एंड थ्री, टू एंड थ्री को एड करना है, टू एंड थ्री, टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू सिक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 19। तो क्या हो जाएगा, 2x, 3x, 5x, y + y - y कट जाएगा और 19 प्लस 6 यानी 25। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो x यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में था इस साइड में होकर डिवीजन में चले जाएगा, तो ये x की वैल्यू होगी 25 / 5 यानी 5 × 25। तो x की वैल्यू हमें फाइनली मिल गई है 5 यानी बड़ा नंबर जो है 5 है। फिर छोटा नंबर की निकालेंगे हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके, पुट x इक्वल टू फाइव इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है वन यानी 5 - y = 3। अब ये जो 5 है वो इस साइड में होकर -5 हो जाएगा और 3 - 5 इज इक्वल टू, आंसर ये लिख लेता हूँ, -2 यानी -y की वैल्यू मिल गई हमें -2। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और फिर y की वैल्यू हमें मिलेगी 2 यानी बड़ी वैल्यू 5 है और छोटी वैल्यू 2 है, दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है। इसे और क्रॉस चेक करना है तो इन वैल्यू को इस इक्वेशन में डालिए, 3 आता है तो हमारे आंसर बराबर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर लिख लीजिए, आप नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज होमवर्क।
देखो क्वेश्चन नंबर टू में आपको डायग्राम दी हुई है एक रेक्टेंगल की, तो आपको पता है रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो अपोजिट साइन सेम रखना है, यानी अपोजिट साइड देखिए इसमें 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई, ये एक इक्वेशन बन जाएगा ताकि अपोजिट साइड सेम है, तो इससे एक इक्वेशन बना लो। और दूसरी अपोजिट साइड है 2y इक्वल टू इसके सामने की साइड है x प्लस 4, तो ये दो इक्वेशन इसे रीअरेंज करके सही ढंग से बना लो इस इक्वेशन को और सॉल्व करो, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। और बाद में क्या बताया है आपको और फाइंड करने के लिए पेरीमीटर बताया है, पेरीमीटर यानी चारों साइड की एडिशन करनी है आपको, चारों साइड की एडिशन करनी है आपको, सारे साइड की लेंथ तो बताई हुई है यहाँ पर, x और y की वैल्यू पुट करने हैं और पेरीमीटर निकालना है बस, और एरिया यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कौन सी भी एक लेंथ ले लो इसमें की और ब्रेड्थ ले लो, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है तो आपको एरिया मिल जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर टू आपको होमवर्क में करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, द सम ऑफ फादर्स एज, फादर का एज और उसकी एडिशन करनी किसके साथ, ट्वाइस एज ऑफ हिज सन, फादर का एज और जो सन का एज है उसका ट्वाइस, इन दोनों की एडिशन क्या होगी है 70 होती है, दोनों की एडिशन 70 होती है। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन देन सम इज 95, अगर हमने फादर का एज डबल किया, उसे दो से मल्टीप्लाई किया हमने फादर के एज को और फिर सन का एज उसमें ऐड कर दिया तो 95 होता है, तो हमें दोनों के प्रेजेंट एजेस फाइंड करने, सपोज जो भी पूछा गया है उसे सपोज करो, सपोज एज ऑफ फादर इज x, फादर का एज x है और सन का x एंड एज ऑफ सन इज y, फादर का x है और सन का y है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा था, फादर का एज प्लस ट्वाइस ऑफ एज ऑफ हिज सन, उन दोनों का सम है 70, और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के अनुसार ट्वाइस ऑफ फादर्स एज, डबल द एज ऑफ फादर यानी डबल किया है, दो से मल्टीप्लाई किया एंड एडिंग सन का एज ऐड कर दिया उसमें, तो वो हो जाएगा 95। इसे कहिए इक्वेशन वन, इसे कहिए इक्वेशन टू, ये हो गया क्वेश्चन। अब हमें इसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, इक्वेशन बना लिए क्वेश्चन के अनुसार, तो अब यहां देखिए इसे हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये टू कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, एक्स एक्सकट हो जाएगा और वाई की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, तो इक्वेशन वन को हम टू से मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय टू, दो से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन वन क्या किस तरह बन जाएगा, 2x प्लस 4y इक्वल टू 140, ये हो गया इक्वेशन थ्री। अब इक्वेशन थ्री हो गया ये, अब इक्वेशन थ्री और इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री में से इक्वेशन टू को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री लिख लो 2x प्लस 4y इक्वल टू 140, इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, अभी 2 लिख लो फिर नीचे 2x प्लस y इक्वल टू 95, इन दोनों का करना है हमें सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, सब्ट्रैक्शन का साइन चेंज हो जाए,
तो पॉजिटिव टू एक्स, नेगेटिव टू एक्स कट गया, फोर वाई में से वाई चला गया तो थ्री वाई रह जाएंगे, और 140 में से 95 चले गए तो कितने बचेंगे 5, और वो 45, कितने बच गए 45। तो y इक्वल टू क्या जाए, क्या आ जाएगा, तो ये थोड़ा पास में लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, y इक्वल टू 45 अपॉन 3, 15 3 45, y की वैल्यू मिल गया हमें, x की वैल्यू निकाल लो, अभी किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम, सपोज इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे हम, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन टू, इन इक्वेशन टू, 2x प्लस y की वैल्यू 15 इक्वल टू 95, 2x इक्वल टू 95 माइनस 15, 95 में से 15 चले गए तो कितने बचेंगे, एच ही बच जाएंगे, एच ही, x की वैल्यू क्या आएगी फिर, एच ही डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू हमें मिल गई 40। तो देखिए फादर का एज क्या हो गया 40 और सन का एज क्या हो गया भाई की वैल्यू 15, तो फादर का एज 40 है और सन का एज 15 है, यही आपको लास्ट में वर्ड में लिखना है, प्रॉब्लम होने के बाद वर्ड में ये लिखना है, मैं लिख नहीं रहा हूं इसका मतलब आप भी मत शॉर्टकट मारिए, आपको लिखना है वर्ड में, लिखना है नीचे, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं, वर्ड में लिखिए लास्ट में, उसको भी एक मार्क होता है, नहीं तो चला जाएगा एक मार्क हाथ से, वर्ड में लिखना है द एज ऑफ फादर इज 40 एंड द एज ऑफ सन इज 15, वही आंसर है, रियल आंसर, ये प्रोसेस है उसे निकालने की। तो इस प्रकार से लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए और लिख लीजिए। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको इक्वेशन बनाते आना चाहिए, इक्वेशन बन गया यानी आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे उसी प्रकार हम, क्वेश्चन नंबर फोर ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर भी है, सपोज डिनोमिनेटर इज x, सपोज डिनोमिनेटर is x and numerator is y, then according to first condition, अब एक फ्रैक्शन नंबर है यानी रैशनल नंबर है, p by q फॉर्म में रहते हैं, जैसे हमने 9th में देखा, तो यहाँ पे ऊपर वाला जैसे 2/5 हो गया, 3/9 हो गया, तो इस प्रकार के नंबर 1/3 हो गया, तो इन नंबर को कहते हैं रैशनल नंबर, ऐसा नंबर है कुछ, तो ऐसा नंबर हमें निकालना है, ऐसा नंबर हमें निकालना है, तो ऊपर वाली वैल्यू हमने x समझी, सपोज किया हमने x, और नीचे की वैल्यू y, डिनोमिनेटर x और न्यूमरेटर जो नीचे वाला है वो y है। तो यहाँ पे क्या बताया फर्स्ट कंडीशन में, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर यानी न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 4 से बड़ा है इसलिए प्लस 4 करना है, किसकी वैल्यू डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर यानी x, डिनोमिनेटर की वैल्यू 4 से बड़ी है, ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर, ट्वाइस बोला इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मोर देन बोला इसलिए 4 एड कर दिए,
किसकी वैल्यू? डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स। सेकंड कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन, डिनोमिनेटर 12 टाइम्स से बड़ा है, न्यूमरेटर से 12 टाइम से बड़ा है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 12 टाइम से बड़ा है। आगे क्या बताया? और इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, रिड्यूस किया 6 से कम किया, यानी -6 रिड्यूस किया, दोनों को 6 से रिड्यूस किया, तो डिनोमिनेटर 12 टाइम बन जाएगा, न्यूमरेटर के 12 टाइम बन जाएगा। देन हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखिए किस प्रकार, अब इस इक्वेशन को हम सिंपल एक इक्वेशन बनाएंगे, अच्छे से लीनियर जनरल लीनियर इक्वेशन में बनाएंगे, इसे बनाएंगे पहले। ये क्या बन जाएगा? ये जो पॉजिटिव 2y है इस साइड में, ऊपर निगेटिव 2y है, एक्स माइनस 2y और ये 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 अब इसे सॉल्व करेंगे हम, एक्स माइनस 6 इक्वल टू 12 वाई माइनस 12 6 जा 12 5 जा 16 और 6 जा 72। अब ये पॉजिटिव 12 वाई है इस साइड में, होकर निगेटिव 12 वाई हो जाएंगी, और ये माइनस 6 है उस साइड में, होकर प्लस 6 हो जाएगा 72। माइनस 72, ये माइनस प्लस क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा, एक माइनस है और एक प्लस है, यानी सब्ट्रैक्शन होगा, और जो वैल्यू बढ़ी है उसका साइन। 72 में से 6 चले गए तो कितने बचेंगे? 66, लेकिन माइनस 66 आएंगे क्योंकि लार्जर नंबर माइनस है। आपको अगर बेसिक में प्रॉब्लम है तो पहला वीडियो जाकर देखिए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा की बेसिक कंसेप्ट। एक्स माइनस 12y इक्वल टू माइनस 66, इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। और इन दो इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा हमें? इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं जरूरत नहीं है 6 से मल्टीप्लाई करने, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, वैल्यू आ जाएगी। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने हैं, x माइनस 12y इक्वल टू माइनस 66, इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन क्या हो जाएंगे? चेंज, तो साइन चेंज कर देंगे पहले हम, पॉजिटिव हो गया निगेटिव, निगेटिव बन गया पॉजिटिव, और फिर ये पॉजिटिव बन गया निगेटिव, तो x x कट गए, पॉजिटिव निगेटिव कट गया, माइनस 12y और प्लस 2y, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, सब्ट्रैक्शन होगी और बड़े का साइन देना होगा, तो सब्ट्रैक्शन 12 में से 2 गए 10 आ गए, बड़े का साइन माइनस है इसलिए माइनस 10 इक्वल टू माइनस 66 डिवाइडेड बाय माइनस 4, दोनों भी माइनस है इसलिए एडिशन करनी होगी, दोनों भी माइनस है इसलिए एडिशन, और साइन माइनस का होता है, दोनों भी माइनस है ना इसलिए माइनस का ही साइन होगा। 66 माइनस 4, माइनस 66 माइनस 4 माइनस 70, तो भाई की वैल्यू आ जाएगी क्या? माइनस 70 डिवाइडेड बाय माइनस 10, माइनस 70 डिवाइडेड बाय माइनस 10, 10 7 जा 70, तो y की वैल्यू आ गई 7। बहुत ही इजी है y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, तो पुट y इक्वल टू 7, पुट y इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में हमने y की वैल्यू 7 पुट कर दिया। अभी इक्वेशन 1 ये है और इसमें हम y की वैल्यू 7 पुट करेंगे, तो यहाँ पर 7 आ गया इक्वल टू 4, 2 7 14, माइनस 2 7 14 इक्वल टू 4, अब ये माइनस 14 है उस साइड में, होकर प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 4 प्लस 14 इक्वल टू 4 प्लस 14 यानी 18, x की वैल्यू मिल गया हमें 18,
और y की वैल्यू 7। बहुत ही इजी प्रॉब्लम। देखिए पहले तो हमने फर्स्ट कंडीशन से इक्वेशन बनाया, सेकंड कंडीशन से इक्वेशन बनाया, फिर हमने इस 12 को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये जो -12y था इसमें इस साइड में होकर ये माइनस हो गया, -12y हो गया, ये माइनस का उस साइड में जाकर प्लस हो गया, फिर इन दोनों की एडिशन -66 आई, फिर इन इसकी और इसकी हमने क्या कर दी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दी, तो सब्ट्रैक्शन में ये 10y और ये -70, फिर ये डिवीजन मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन में चला गया और ये 10 7 17, और फिर y की वैल्यू 7 हमने पुट कर दी इस इक्वेशन में और x की वैल्यू हमें मिल गई 18। तो डिनोमिनेटर 18 है और न्यूमरेटर 7, तो ये है आंसर। आंसर देन फ्रैक्शन इज 18/7, देयरफॉर दिस दैट फ्रैक्शन इज 18/7। 18/7 ये नंबर है, ये लिखना है आपको वर्ड में लास्ट में जो मैंने अभी कहा है, दैट फ्रैक्शन इज 18/7। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 इसे लिख लीजिए सब। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अब टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी, दो टाइप के बॉक्सेस ये है, एक ए एंड एक बी, प्लेस इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी 10 टन्स। दो टाइप के बॉक्सेस है, उसको हमने ट्रक में रख दिया, तो ट्रक की कैपेसिटी बढ़ती है 10 टन्स। 10 टन्स यानी 1000 किलो, 1 टन यानी 1000 किलो, 10 टन्स यानी 10,000 किलोग्राम, 1 टन यानी 1000 किलोग्राम है, 1000 किलोग्राम, तो 10 टन्स यानी 10,000 किलोग्राम। फिर 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। सपोज पहले हम करेंगे इनका जो इसमें क्या है, हमें सिर्फ ए और बी का ये निकालना है, वेट निकालना है, ए और बी दो टाइप के बॉक्सेस है उसका वेट निकालना है। तो उसे सपोज करेंगे ए का वेट हम एक्स सपोज करेंगे और बी का वेट हम वाई सपोज करेंगे। सपोज वेट ऑफ box A is x sorry and box Y is or sorry box B is Y, weight of box B is Y, x का weight x है, sorry A का weight x है और B का weight Y है, A का x B का Y। तो पहली कंडीशन क्या है, ये पहली कंडीशन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में क्या किया उन्होंने 150 बॉक्सेस ले लिए, 150 बॉक्सेस का वजन कितना होगा, एक बॉक्सेस का एक्स, 150 बॉक्सेस का 150x, इतना वजन है ए बॉक्स का, एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, बी के 100 लिए इसलिए एक, एक का वजन है वाई, तो 100 का वजन हो गया 100y, तो क्या हो गया, आर लोडेड इन ट्रक इट्स वेट 10 टन्स, दोनों का वेट, वेट क्या हो गया इतने बॉक्सेस भरने के बाद 10 टन्स, 10 टन्स यानी कितने किलो, 10,000 किलो, 1 टन यानी 1000 किलो, 10 टन्स यानी 10,000 किलो, किलोग्राम में निकालेंगे हम इनका वेट। अभी सेकंड कंडीशन, ये कंडीशन नंबर 1 लिख लीजिए, फिर कंडीशन नंबर 2, फ्रॉम कंडीशन नंबर 2 अभी मत लिखिए, पहले प्रॉब्लम होने दो, पूरा समझ लो उसे और फिर बाद में एंडिंग में इसको पॉज करना है और लिख लेना है सब। फ्रॉम कंडीशन नंबर 2, कंडीशन 2 में क्या कहा है, When 260 boxes of type A, 260 boxes लिए अब A के, A का वजन है X, और
नोडेड इंटरवल, इट कैन स्टिक अप टू नोडेड 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, और 40 बॉक्सेस टाइप बी के बैठ सकते हैं। टाइप बी के 40 बॉक्सेस यानी 40, और एक का वजन होता है वाई, तो 40 का वजन हो गया 40y, सो दैट इट विल बी फुल्ली लोडेड, यानी पूरा ट्रक भर जाएगा। पूरा ट्रक भरने के लिए कितना कितना वजन से भरता है, पूरा 10 टन से भरता है, 10 टन की वैल्यू है 10,000 किलोग्राम फुल्ली लोडेड। तो हमें दोनों के वजन निकालने हैं, टाइप ए का और बी का वजन निकालने हैं फुली लोडेड। फुली लोडेड का कितना बताया उन्होंने कि ट्रक 10 टन से भरता है, 10 टन यानी 10,000 किलोग्राम। तो अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए वहां पर 100 है, यहाँ पर 40, इसे हम क्या करेंगे, इसे पहले तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये 10 हो जाएगा, फिर इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 × 4 = 40, तो ये सेम हो जाएगा और 40 कट जाएंगे, फिर x की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो पहले इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है देखिए, नीचे नीचे लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं फ्रॉम सेकंड कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन से 150x + 100y = 10,000, इसे 10 से अब मैं क्या करूंगा डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय 10, तो क्या हो जाएगा ये 15x + 10y = 1,000। एक जीरो चला गया 10 से डिवाइड करने के बाद, एक जीरो चला गया। अब इसे फिर इसे 4 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 से हम मल्टीप्लाई, 15 × 60x, ये 40y, और ए 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो गया 4,000। देखिए 15 × 60 और 10 × 14, और ये 1,000 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4,000 हो गया। तो इसे कहिए इक्वेशन नंबर टू, ये इक्वेशन नंबर टू है, और इसे कहेंगे आप इसे इक्वेशन नंबर टू दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर थ्री, क्योंकि ये बाद में है, इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे इजी जा रहा था इसलिए मैंने ऊपर ही कर लिया वो सारा काम। तो इक्वेशन टू और थ्री को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थ्री फ्रॉम इक्वेशन टू में से थ्री को सब्ट्रैक्ट करना है, तो टू हो गया 260x + 40y = 10,000। इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 60x + 40y = 4,000, सब्ट्रैक्शन में साइन हो जाएगा चेंज, तो 260 में से 60 चले गए 200x, और 40 और 40 कट गए ये, और 10,000 में से 4,000 चले गए, यानी 6,000 बच गए हमारे पास, और x की वैल्यू फिर हमें आ जाएगी 6,000 / 200, ये दो जीरो कट गए, 60 / 2, यानी x का a का वेट हो गया है 30 kg, 30 किलोग्राम, बॉक्सेस a का वजन हो गया 30 किलोग्राम। अब यही वैल्यू x की वैल्यू हम इक्वेशन थ्री में पुट कर देंगे और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके बाद क्या आप सॉल्व कर सकते हैं, ये जो 30 है इसे इक्वेशन नंबर थ्री में पुट कीजिए 30 को, और फिर y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ये इसे मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है, इसे आप घर पर पूरा सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको y का आंसर मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अब क्वेश्चन नंबर 6,
होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर ये वाला कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आधा सॉल्व करके लिया है, उसे भी आपको पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ 900 किलोमीटर यानी सॉरी 1900 किलोमीटर, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। 1900 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस है, उसमें से आधा उसने बस से ट्रेवल किया और आधा एरोप्लेन से ट्रेवल किया। अब बस की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर और एरोप्लेन की स्पीड थी 700 किलोमीटर पर आवर, और 5 घंटे में उसने सारा ट्रेवल जो है, सारा जर्नी जो है खत्म कर लिया है। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, सिर्फ बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने वो निकालना है। उसने क्या किया है, कुछ डिस्टेंस बस से और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रेवल किया। बस की स्पीड थी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर और प्लेन की स्पीड थी 700 किलोमीटर पर आवर। उसको 5 घंटे लग गए पूरा ट्रैवलिंग करने के लिए। तो हमें बस से उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकालना है। तो सपोज करेंगे, सपोज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इस, बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने सपोज इज एक्स एंड बाय प्लेन इज वाई। बस से एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया और प्लेन से वाई डिस्टेंस ट्रैवल। एज वी नो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम। तो सपोज स्पीड ऑफ बस एंड प्लेन इज S1 एंड S2 एंड टाइम taken by bus and plane is t1 and t2 respectively लिख लीजिए, respectively last में स्पीड, बस की स्पीड S1 है और प्लेन की S2, बस की t1 है और प्लेन की t2 टाइम लगता है हम दोनों को, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है टोटल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कहा है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है इसमें पूरा डिस्टेंस, पूरा का पूरा 1900 किलोमीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और कुछ बस से ट्रैवल किया है, बस से सपोज एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितना एक्स डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। बस की स्पीड क्या थी S1, बस ने कितना टाइम लगाया, टाइम t1 प्लस, पहले लिख लीजिए स्पीड x प्लस y, थोड़ा बस से और थोड़ा प्लेन से दोनों मिला के कितना हो गया 1900। अब बस की स्पीड थी S1, बस ने टाइम लगाया t1, एरोप्लेन की स्पीड थी S2 और इसने टाइम लगाया t2। इस फॉर्मूले का मैंने यूज किया स्पीड इंटू टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम यानी स्पीड इनटू टाइम किया बस। अब पुट कर दीजिए वैल्यू, बस की वैल्यू थी 60, बस में कितना टाइम लगाया पता नहीं है t1, प्लेन में कितना टाइम लगाया वो भी पता नहीं है, लेकिन उसकी स्पीड पता है हमें 700 t2 = 1900। यहां पर हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 1, इसे हम 10 से डिवाइड कर देंगे, 0000 बहुत थोड़े कट हो जाएगी।
डिवाइड बाय 10, तो 10 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा मुझे 190। तो ये वाली साइड इस साइड में लिख लेंगे हम, ये वाली साइड इस साइड में लिख लेंगे ताकि इजी चला जाएगा। 6t1 प्लस 70t2, 10 से डिवाइड करने के बाद एक एक जीरो कट जाएंगे, एक एक जीरो कट जाएंगे। यहाँ पे क्या किया मैंने, डिवाइडेड बाय 10, 10 से क्या किया मैंने डिवाइड कर दिया है। सेकंड कंडीशन क्या बताया उसको, जर्नी में 5 आवर्स लगते हैं, 5 आवर्स में उसकी जर्नी कंप्लीट हो जाती है, 5 आवर्स में, यानी T1 प्लस T2। हम सेकंड कंडीशन T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 5, हम सेकंड कंडीशन इन दोनों की पूरी टोटल 5 होती है। तो अब हमें दो इक्वेशन मिल गए, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन नंबर क्या है ये, इस इक्वेशन नंबर 1 की, इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 61 प्लस 62 इज इक्वल टू 30। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है हमें, T1 कट जाएगा, T2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो शायद ऊपर का आपने लिख लिया होगा, ऊपर की कुछ लाइन में बेटा था, क्लियर कर देता हूं, क्लियर ऊपर कुछ लाइन चले जाएंगे। अब देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। 61 प्लस 70t2 इज इक्वल टू 190, और इसमें से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन में साइन हो जाएंगे, चेंज पॉजिटिव हो गया निगेटिव, T1 कट गया, T2 की वैल्यू आएगी 70 माइनस 6 यानी 64, T2 इक्वल टू 190 में से 30 चले गए, कितने बचे 160, ये 64 और ये 160, तो T2 की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 160 डिवाइडेड बाय 64। इसे किससे डिवाइड होगा, ये 8 से डिवाइड होगा, 8 का 64 और ये होगा 20, 8 से डिवाइड करने के बाद 8 का 16 यानी 20 हो गए। फिर अभी ये किससे डिवाइड हो गए, 4 से, 4 टू का और 4 5 का, 4 5 का 20, 4 टू का 8, 5/2 यानी T1 की वैल्यू 5/2 यानी 2.5, 5/2 यानी 2.5 यानी उसे ढाई घंटे लग गए, ढाई घंटे। और किससे ट्रैवल करने के बाद, प्लेन से, टोटल 5 घंटे यानी प्लेन से ढाई घंटे, तो बस से ढाई घंटे, T1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, T1 इज इक्वल टू 5/2। इसकी वैल्यू आप इक्वेशन नंबर ये वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर ए का ही दूंगा मैं इसको, इक्वेशन ए में पुट कर दीजिए और आपको वैल्यू मिल जाएगी T1 की, यानी बस से उसे ढाई घंटे लगे और प्लेन से ढाई घंटे लगे। तो बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक्स इक्वल टू बस से S1, बस की स्पीड ये है और बस का टाइम ये है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस S1 T1, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना होगा उसका, S1 की वैल्यू थी, स्पीड कितनी है बस की 60 किलोमीटर पर आवर, और कितने घंटे लगे उसको 5/2 यानी ढाई घंटे लगे, 2 3 6 यानी ये 30 इंटू 5, 60 का हाफ किया मैंने 30 हो गया, और ये 3 5 50 और ये 0 होने की वजह से ये, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इज 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर बस से उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू
स्पीड इंटू टाइम इस फॉर्मूले का यूज करना है और निकालना है। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको सही तरीके से इसे समझा दूंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, हरे कृष्ण।